फ्रेंड्स, अगर आपके कॉलेज में आरजीपीवी भोपाल यूनिवर्सिटी लगती है और आप लोगों को बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट है जिसको अपन बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज से इस चैनल में आप लोगों को बी ट्रिपल ई सब्जेक्ट के यूनिट वाइज वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के 4-5 टॉपिक क्लियर करवाऊंगा, मगर यूनिट वाइज। फर्स्ट यूनिट में अपन लोगों को है डीसी सर्किट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फ्रेंड, ये सारे टॉपिक मैं आप लोगों के क्लियर आज करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट में अपना डीसी करंट अपनी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट की, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू मीन बाय डीसी सर्किट। फ्रेंड देखिए, इसका आंसर ये है कि डीसी सर्किट यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी सर्किट क्या होता है। फ्रेंड देखिए, ये एक मैंने डीसी सर्किट बना के रखा है और मैंने यहाँ पर डीसी सोर्स कनेक्ट करके रखा है जो कि बैटरी हो सकती है, डीसी जनरेटर हो सकता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, डीसी सर्किट। और फ्रेंड्स, इसको डीसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। फ्रेंड, डायरेक्ट करंट में करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में, और करंट हमेशा कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। फ्रेंड्स पॉजिटिव से नेगेटिव मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं, समझ लेते हैं कुछ स्टूडेंट, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ फ्लो होगा। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो करंट कैसा फ्लो होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल चलेगा इस वायर के थ्रू, इधर चलेगा तब ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड, डीसी जो करंट होता है वो कभी भी उल्टा ऐसा नहीं जाता जाएगा, ठीक है, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, कभी भी करंट ऐसा यानी पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ ही जाता है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ नहीं जाता, चाहे एसी करंट हो चाहे डीसी करंट हो। अभी अपन बात कर रहे हैं डीसी सर्किट की। फ्रेंड, डीसी सर्किट में मैंने डीसी सोर्स यहां पर कनेक्ट करके रखा है, इसीलिए डीसी सर्किट हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है। लोड का मतलब यानी ये हो गया, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैंने कनेक्ट करके नहीं रखा है यहां पर, तो अपन वो भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो देखिए, जैसे दोस्तों फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट कर दिया है, एक रेजिस्टेंस आपने ये देखा होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रख दिया है, ठीक है, तो ये मैंने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है इसको, ठीक है। तो डीसी सर्किट में भी, ठीक है, आप रेजिस्टेंस को लोड को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करके रखूँगा, तो देखिए ये मैं इधर देखिए मैंने सीरीज में ये कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डीसी सर्किट क्या होता है। फ्रेंड, डीसी सर्किट वही होता है जिसमें डीसी सोर्स लगा हुआ हो, और डीसी सोर्स में क्या क्या आते हैं, बैटरी आती है अपनी और डीसी जनरेटर आता है, ठीक है, यही होता है डीसी सर्किट। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और करंट क्या होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो राइट हैंड साइड पर जो एक आई बटन है ना, वहाँ पर भी वो मैंने वीडियो डाल दिया है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, जो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, आपको इससे इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आइडियल है। आइडियल यानी ये होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन अपन मान लेते हैं, ठीक है, आइडियल मान लेते हैं कि ये ऐसा एक वोल्टेज सोर्स होता है। अब देखिए, उसके लिए मैंने एक ये समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम मैंने बना के रखा है। देखिए, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, ये एक लोड है, ठीक है, और इसमें कितना वोल्टेज है, वी एस वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पर कितना इसके इस लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वी एल है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई एल फ्लो हो रही है, ठीक है, ये मैंने लोड इसमें लिख के रखा क्योंकि ये लोड है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सर्किट में आप लोगों को कहीं पर भी आप लोगों को रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा। देखिए, ये तो एक लोड है, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ही रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा होगा। तो आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा कहीं पर भी तो वोल्टेज अपन को यहाँ पर भी इक्वल मिल जाएगा, जितना वोल्टेज यहाँ होगा उतना ही वोल्टेज इधर चला जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जितना वोल्टेज इधर है उतना ही वोल्टेज इधर आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स बोलते हैं अपन कि वी एस इज इक्वल टू वी एल। इसका मतलब क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पर सोर्स में जो वोल्टेज है वही अपना लोड में भी वोल्टेज है, इसीलिए अपन इक्वल वोल्टेज। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंस इज जीरो, इसीलिए फ्रेंड्स ऐसा हुआ है। अब देखिए इसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, आप लोगों को तो ये फॉर्मूला पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन ठीक है, यहाँ पर अगर अपन कितना भी लोड और करंट को अगर अपन इंक्रीज डिक्रीज कर दें ठीक है, तो देखिए वोल्टेज में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखते हैं अपन। देखिए जब मैंने यहाँ पर ठीक है करंट की वैल्यू 5 रख दी, ठीक है करंट की वैल्यू मैंने यहाँ 5 रख दी और मैंने रेजिस्टेंस 1 ले लिया, तब अपना वोल्टेज कितना आया, 5 आया। अब मैंने देखिए करंट को थोड़ा सा कम कर दिया, 0.5 कर दिया है, और लेकिन रेजिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिए। किस रेजिस्टेंस को, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है ठीक है, तो उसको मैंने बढ़ा दिया, तब भी अपनी वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब मैंने करंट को और कम कर दिया है और मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है ठीक है, तब भी अपनी वोल्टेज कितनी, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही, 5 आ रही है ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, अगर अपन रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर देंगे और करंट को डिक्रीज कर देंगे तो इसमें यहाँ पर वोल्टेज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज रेजिस्टेंस इज जीरो, इस सर्किट में रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है ठीक है, इसीलिए जितना वोल्टेज इधर होगा उतना ही वोल्टेज अपने इसके अक्रॉस होगा, इस लोड के अक्रॉस होगा। इसी को बोलते हैं अपन आइडियल वोल्टेज सोर्स। लेकिन फ्रेंड्स आइडियल वोल्टेज सोर्स होता नहीं है, अपन मानते हैं कि आइडियल है ये। अब चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फ्रेंड देखिए ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ठीक है, ये होता ही है, जो आइडियल होता है वो नहीं होता है और प्रैक्टिकल होता है। फ्रेंड्स आइडियल में अपन ने क्या पढ़ा था, जितना वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस होगा ठीक है, फोर सोर्स में होगा उतना ही वोल्टेज अपने लोड के अक्रॉस होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आइडियल में अपना रेजिस्टेंस नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस होता है, तो मैं आप लोगों को इसमें रेजिस्टेंस दिखा देता हूं। देखिए ये यहां पर मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ, देखिए इसमें रेजिस्टेंस। अब फ्रेंड्स क्या होगा, आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट यहां पर कर दूंगा तो क्या वोल्टेज यहां पर प्रॉपर मिलेगा, ठीक है अपन वही क्रॉस चेक करने वाले हैं ठीक है। अगर आप लोगों को पता होगा कि रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करने से ठीक है क्या इफेक्ट होता है, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर पहले से ही होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ठीक है। ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस कनेक्ट होता ही है ठीक है। अब देखिए अपन यहां से मान लो यहां से मेरा करंट चला ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, माइनस वी एस लूंगा, क्योंकि यहां से मैं चल रहा हूं ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस लेके रखा है ठीक है। अब यहां से मैं चलूंगा तो यहां पर क्या आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया और एक करंट आ गया ठीक है। तो अपन अगर कभी इस टाइप का अगर आ जाए तो अपन को कैसा लिखना है अपन को ठीक है, रेजिस्टेंस इंटू आई एल, क्योंकि आई एल यहां पर करंट है ठीक है। आई एल आई करंट कौन सा है, जो कि लोड में अपना जा रहा है, और प्लस अपन क्या लिखेंगे, वी एल लिखेंगे ठीक है। यहां पर वोल्टेज अपना कितना है, मैंने मान लिया है वी एल वोल्टेज है इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये इक्वेशन मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे को फाइंड करना है कि वी एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ जाएगा जब अपन ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स चलिए वो भी देख लेते हैं अपन क्या होता है फ्रेंड्स ठीक है। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व किया तो वी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, वी एस माइनस आई एल और आर एल। फ्रेंड्स ये वाली जो इक्वेशन मैंने बनाई है ये इसी तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है कोई भी सर्किट हो, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं चला था इसीलिए मैंने यहाँ माइनस लिया है ठीक है। और कभी अगर रेजिस्टेंस अगर होगा तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, इनटू होता है करंट जितना उसके अंदर फ्लो होता है ठीक है, इसीलिए मैंने आई एल और आर एल लिया है ठीक है। और प्लस वी एल मैंने ले लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज मैंने कितना माना था, VL माना था ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर VL की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, यानी ये इक्वेशन से अपन को कितना निकल के आ गया, VS माइनस IL RL ठीक है। अब फ्रेंड इसको एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, मान लो सोर्स में अपना 10 वोल्टेज है और मेरा करंट है जो IL 1 है ठीक है, और रेजिस्टेंस मेरा ये कितना है यहां पर
5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये सारी वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो देखिए वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई है, VL की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई है, 5 वोल्टेज हो गया है। फ्रेंड्स ये 5 वोल्टेज क्यों हो गया यहां पर, ये VL की वैल्यू यानी वोल्टेज यहां पर कितना पहुंचेगा, 5 पहुंचेगा। ये क्यों पहुंच रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा था, आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आइडियल वोल्टेज में देखिए रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसीलिए ये हो रहा है कि वोल्टेज अपना कम हो गया। सोर्स में तो अपना 10 वोल्टेज था, लेकिन यहां पर अपना कितना हो गया, 5 वोल्टेज है। ये क्यों हो गया है, रेजिस्टेंस के कारण हो गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया है तो वोल्टेज अपना कम हो गया है। फ्रेंड्स इसको और अच्छे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं। देखिए यहां पर VL है, तो VL में कितना वोल्टेज है, 5 वोल्टेज है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस मान लो यहां का, इधर का नहीं, देखिए इधर का रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, और करंट कितना है अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब I इज इक्वल टू V अपन R फॉर्मूले रख दूंगा मैं। ठीक है, V अपन R 5/5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 8 कर दी है, यानी रेजिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, और वोल्टेज को मैंने कम कर दिया है। ठीक है, मान लो ये कम वोल्टेज हो रहा है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, यानी कम हो गया करंट। ऐसे यहां पर मैंने वोल्टेज की वैल्यू कम कर दी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी है, तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी आ गई और कम हो गई है। फ्रेंड्स इसीलिए बोलते हैं कि देखिए यहां पर इस ग्राफ में ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए अब वी इज इक्वल वी, जैसे वोल्टेज अगर जैसे ये कम होगा तो करंट भी कम होगा, उसी को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। देखिए यहां पर वोल्टेज 5 था, ठीक है, तो करंट मेरा 1 हो गया, यानी कम हो रहा है। वोल्टेज मेरा 4 था तो करंट भी देखिए मेरा कम हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज मेरा 2 था तो करंट कितना हो गया है मेरा, 1/5 हो गया है। तो इसीलिए ये ग्राफ बता रहा है कि वोल्टेज जब कम होगा तो करंट भी कम होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कुल मिला के प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में अपन आप लोगों को यही समझ के रखना है कि जितना वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज में सोर्स में होता है उतना ही वोल्टेज अपना लोड साइड नहीं होता है, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि आइडियल करंट सोर्स क्या होता है। जो अपना आइडियल करंट सोर्स होता है वो आइडियल होता है, एक्चुअली में होता नहीं है, जैसा अपन ने पीछे पढ़ा है आइडियल वोल्टेज सोर्स में। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जितनी करंट अपना सोर्स में होता है उतना ही करंट अपना लोड के तरफ भी होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं IS is equal to IL। बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, मगर वो वोल्टेज सोर्स है और ये करंट सोर्स है। फ्रेंड ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों इक्वल क्यों है, IS is equal to IL, ये इसीलिए इक्वल है क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जितना करंट ये इस साइड होगा और उतना ही करंट अपना लोड के साइड होगा। चलिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर IS की वैल्यू मैंने 2 ली है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ली है, तो अब मैं वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो V इज इक्वल टू IR आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ से देखिए V मैंने I की वैल्यू 2 पुट कर दी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है, 20 वोल्टेज आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने V इज इक्वल टू IR मैंने फिर ले लिया, यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू 2 ले ली है और रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है, 20 ले ली है, यानी मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 वोल्टेज आ गई है। फ्रेंड्स अब आप लोग देख रहे होंगे कि वोल्टेज तो यहाँ पर वोल्टेज अगर इंक्रीज भी अगर हो जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर वोल्टेज इंक्रीज भी हो जाए मगर करंट बिल्कुल सेम ही होता है, करंट बिल्कुल सेम ही होगा, यानी करंट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर वोल्टेज चेंज हो जाए। फ्रेंड्स वोल्टेज क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्ट है पैरेलल में, इसीलिए ऐसा हो रहा है, पैरेलल में वोल्टेज चेंज होता है। और फ्रेंड्स पैरेलल में करंट डिवाइड होता है मगर वोल्टेज, ठीक है, इक्वल ही होता है। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए ये है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। फ्रेंड्स इसमें देखिए इसमें रेजिस्टेंस ऐड हो चुका है, और ये रेजिस्टेंस यहां पर ऐड क्यों हुआ है फ्रेंड्स, ताकि करंट डिवाइड हो। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट हमेशा डिवाइड होता है मगर वोल्टेज सेम ही होता है। देखिए मैंने यहां पर लिख के भी रखा है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है मगर वोल्टेज सेम होता है।
इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आरएल। अब आप बताइए, जब मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर मैं अगर यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, क्या यहाँ पर आई एस इज इक्वल टू आई एल होगा? फ्रेंड्स कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट है। फ्रेंड्स इसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पर ये सोर्स है, ठीक है, और ये लोड है, और ये यहाँ पर मैंने एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है। अब देखिए आई एस इज इक्वल टू आई एल आई प्लस आई एल, ये मैंने क्यों लेके रखा है कि देखिए यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है। देखिए आई एस करंट इज इक्वल टू, ठीक है, एक ये आई प्लस आई एल, ठीक है, ये आई एस करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, आई प्लस आई एल, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन बना के रखी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि आई एल की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँ, तो अभी तो अपन को पता चलेगा ना कि आई एस से अगर जितना करंट निकला है क्या वहाँ पर वो कितना पहुँच पा रहा है, ठीक है। आई एल की मैंने वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है, तो कितने यहाँ आ गई, देखिए आई एल इज इक्वल टू आई एस माइनस आई एल। अब देखिए यहाँ पर जो I है, ठीक है, I को मैं क्या लिख सकता हूँ, V अपॉन R लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, I को मैं, ठीक है, V अपॉन R मैं लिख सकता हूँ, जो कि आपको फॉर्मूले में पता होगा, V इज इक्वल टू जो आई आर वाला फॉर्मूला होता है। अब देखिए फ्रेंड, जब ये इक्वेशन अपन को मिल गई है, तो अब मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तब आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई एस को यहाँ पर मैं सोर्स करेंट के लिए मैं 10 एम्पियर ले लिया है, वोल्टेज मैंने 100 ले लिया है, और रेजिस्टेंस मैंने 20 ले लिया है। अब फ्रेंड जब मैंने ये सारी वैल्यू मैंने आई एल में पुट कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आई एल में मैं पुट करूंगा ये वैल्यू, तो देखिए 10 एम्पियर माइनस 100 अपॉन 20, तो यहाँ पर आई एल की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 एम्पियर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कितना करंट पहुँच पा रहा है, 5 एम्पियर करंट पहुँच पा रहा है। फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स रेजिस्टेंस भी कुछ कंजम्पशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर करंट की यहाँ पर करंट इक्वल नहीं है आई एस इज इक्वल टू आई एल, ठीक है, क्योंकि आई एस की वैल्यू मैंने 10 एम्पियर लिया था, यहाँ से मैं करंट यहाँ पर भेज रहा था यहाँ के लिए, लेकिन आई एल में, ठीक है, इस तरफ पहुँचने तक वो करंट कितना हो गया है, 5 एम्पियर वो करंट हो गया है फ्रेंड्स। और जो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर ये बिल्कुल अगर जीरो हो जाती, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर बिल्कुल जीरो हो जाती, मान लो ये रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जितना करंट इधर था उतना ही करंट यहाँ पर था। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्योंकि फ्रेंड्स रेजिस्टेंस तो होता ही है। चलिए मैं इसका थोड़ा ग्राफ दिखा देता हूँ क्या होता है। फ्रेंड देखिए आई एल और बी एल के बीच में मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है, तो इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है, देखिए आई एल बिल्कुल कॉन्स्टेंट होगा यहाँ पर, जब करंट यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये कब हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर जब अपना आइडियल करंट सोर्स था, मगर ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता, देखिए थोड़ा सा ये ग्राफ नीचे हो गया, यानी करंट की वैल्यू, ठीक है, कम हो रही है, ठीक है, ये क्यों हो रही है, यहाँ पर करंट कम क्यों आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण ये वाला ग्राफ आ रहा है, देखिए ये नीचे वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू, यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है ये ग्राफ, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस के साथ साथ भी वोल्टेज भी यहाँ पर कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अपना प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों के अगर ये टॉपिक क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और फ्रेंड्स हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगा, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।